इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना मतलब अरूज से कमी आ रही है कोरोना में, तो इसी हवाले से हमारे मुल्क में कोरोना वैक्सीन का आगाज़ हो चुका है। तो मैंने भी अप्लाई किया था कोरोना वैक्सीन के लिए, तो आज मैं अपनी तहसील में आया हूँ और कोरोना वैक्सीन लगवानी है आज इंशाल्लाह मैंने। तो चलते हैं फिर वैक्सीनेशन सेंटर पर, आपको वैक्सीनेशन सेंटर का अगर अंदर का हालात दिखा सके तो वो भी दिखाएँगे, वरना अगर कैमरा अलाउ नहीं हुआ तो बाहर से ही कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करेंगे। बाकी आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोरोना वैक्सीन लगवाऊंगा। तो चलते हैं आसिम भाई, चलो फिर वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ। और अभी अंदर तो हमें कैमरा लेकर आने दिया गया है, लेकिन आगे का पता नहीं है कि कैमरा अलाउ है या नहीं है। पार्किंग में बैठे हुए हैं, आगे जाकर देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है वैक्सीनेशन का। चलो आसिम जी, देखते हैं वैक्सीनेशन के लिए। जाहिद भाई को जो वो उन्होंने नंबर अलाट किया था एसएमएस करने पर, तो वो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए गए हुए हैं उधर। तो अपना नंबर रजिस्टर्ड करवा के फिर इनको कोई पर्ची मिलेगी, फिर इधर वेटिंग लिस्ट में, इधर वेटिंग में बैठेंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं कितनी देर में इनका वैक्सीन होती है। तो अभी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है, उन्होंने कहा आप थोड़ी देर के लिए वेट करें, तो वेट कर रहे हैं अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पीछे अभी कुछ लोग लगवा भी रहे हैं, आपको शायद कुछ नज़र आ रहा हो रश, तो हम वेट कर रहे हैं, हमारी बारी भी आ जाएगी, फिर वैक्सीनेशन करवाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो वैक्सीनेशन के लिए कोई इतना बड़ा प्रोसेस है ही नहीं, और कुछ लोग हैं जो हम लोगों को बहका रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराओगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बिला झिझक अपने सेलफोन निकालें, उसमें से 1166 पर मैसेज करें अपना आईडी कार्ड नंबर, शाम को मैसेज करें, रात को प्रोसीजर के बाद आपको मैसेज मिल जाएगा कि सुबह को आपने वैक्सीनेशन करानी है, और उसमें वो आपको आपका वैक्सीनेशन सेंटर बता देंगे, और चुपचाप जाएं अपना आईडी कार्ड दें और वैक्सीन कराएं, काम ख़त्म आपका। मुजाहिद भाई का नंबर आ गया है, लेकिन मुजाहिद भाई अपना वैक्सीन के लिए देखें अपना शोल्डर निकाल के बैठे, और इधर दूसरे भाई को वैक्सीन हो गई है, अभी मुजाहिद भाई का नंबर लगेगा। जी माशाल्लाह से मुजाहिद भाई की भी वैक्सीन हो गई। तो सर यहाँ के लोगों का क्या रुझान है कि काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं या बहुत कम आते हैं लोग वैक्सीन के लिए?
लोग आ रहे हैं। अच्छा, यानी कि लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं लगवाने का। ठीक है, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, वैक्सीनेशन तो आपके सामने मैंने करवा ली है यहाँ पर। तो जैसा कि आसिम भाई ने वैक्सीनेटर सर से पूछा था कि यहाँ पर लोगों का रुझान क्या है, तो उन्होंने मतलब अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि यहाँ पर लोगों का रुझान बहुत अच्छा है और डेली बेस पर मैक्सिमम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने के लिए आते हैं। और इससे मतलब महसूस ये होता है कि जो भी सोशल मीडिया पर अफवाहें वगैरह चल रही हैं वो सारी झूठी हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है हमारी अपनी भलाई के लिए हो रहा है, ताकि हमें मुस्तकबिल में कोई ख़तरे का सामना ना करना पड़े। इसीलिए आप भी इस अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर्स वगैरह पर जाकर वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ। अल्लाह हाफिज़। एक नई वीडियो